नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस टाइम पे आप देख रहे होंगे हमारे देश में आँखों का एक रोग है, वो जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है दोस्तों, जिसको आई फ्लू जो है बोला गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो दोस्तों ये रोग है क्या और ये कैसे क्या क्यों फैलता है, दोस्तों इसके लक्षण क्या है और इसकी रोकथाम क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको जो है आंखों का रोग और इंग्लिश में दोस्तों कंजंक्टिवाइटिस भी बोला जाता है, कंजंक्टिवाइटिस भी इसको बोला जाता है। दोस्तों देखिए ये रोग क्या है एक्चुअल में, दोस्तों देखिए ये आंखों का एक संक्रमण है और ये दोस्तों जो रोग है आंख मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसके कारण जो है होता है। दोस्तों मौसम में बदलाव के कारण और धूल और मिट्टी के जो कण होते हैं जिनसे जो एलर्जी होती है उसके कारण, वायरस के कारण, और दोस्तों साथ में जब मौसम में दोस्तों जो है लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी जो रहती है उसके कारण ये होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी है। आगे दोस्तों इसके लक्षण देखते हैं। दोस्तों इसके लक्षण देखिए, आँखों का लाल होना, आँखों में खुजली होना, आँखों में सूजन होना, आँखों में पानी आना, सर्दी, फीवर, ये सभी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लक्षण है। ठीक है फ्रेंड, और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दोस्तों, इस रोग से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इस रोग से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको रोकथाम के जो तरीके हैं वो बता रहा हूँ, इनका आप जो है पालन कीजिए। एक तो दोस्तों आप अपने यहाँ साफ सफाई रखिए, आप जब भी अपने आँखों को छूने वाले हो या आँखों को छूते हैं तो दोस्तों आप जो है 20 मिनट तक उससे पहले या बाद में अपने हाथों को जो है अच्छे से साबुन से धोएं। ठीक है फ्रेंड, निकट संपर्क बनाने से बचें, निकट संपर्क से बचें ऐसे लोगों से जिनमें सर्दी के लक्षण हो, फीवर के लक्षण हो या आँखों के ऐसे ये लक्षण, मैंने आँख का लाल होना, खुजली होना, सूजन आना, पानी आना आँख से, सर्दी, फीवर, ये सभी। दोस्तों अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें जिसमें आपका चश्मा हो सकता है, आपका मेकअप का कुछ सामान हो सकता है, ये सब चीज़ें जो है हो सकती हैं। दोस्तों आप जो है सैनिटाइजर का भी उपयोग करें, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे किसी व्यक्ति में ये आई फ्लू के लक्षण है, किसी व्यक्ति को आई फ्लू है, माना वो मेट्रो में सफ़र किया, ट्रेन में सफ़र किया, बस में सफ़र किया और मॉल में घूमने गया, उसने जो हैंडल होते हैं वो पकड़े और आपने भी दोस्तों वह पकड़ लिए, तो आपको ये होने की संभावना है। तो दोस्तों ये सैनिटाइजर का जो है आप उपयोग करें, आंखों को रगड़े नहीं। देखिए इस रोग में क्या लक्षण है दोस्तों, जैसे खुजली होना, ये जो महत्वपूर्ण लक्षण है इसके कारण हम क्या करते हैं, आंखों को जो है रगड़ते हैं, इससे ये रोग और फैलता है, तो ये आप ना करें। और इससे आप रगड़ते हो तो आपकी आंखों हाथों में इसके जो वायरस है वो आ जाते हैं और जो है दूसरे लोगों को भी होने की चांस रहते हैं। दोस्तों जब भी आप छींके या खांसे तो टिश्यू का उपयोग करें। ठीक है, और दोस्तों बीमार यदि आप किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण है या सर्दी या फीवर है तो वो व्यक्ति जो है घर पे ही रहे तो ही अच्छा है। दोस्तों यदि आप में ये सभी लक्षण है तो आप डॉक्टर से जो है जरूर मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों अप्रत्यक्ष संपर्क से भी जो मैंने आपको बताया, जैसे कि दोस्तों जैसे हैंडल हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, मेट्रो के हैंडल, गेट के, दोस्तों साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं, जैसे जो स्विमिंग पूल होते हैं और दोस्तों हॉट वाटर के जो टब होते हैं उनमें जाने से बचें, क्योंकि यहाँ से भी ये फैलते हैं। दोस्तों दूसरी बात, क्राउड से बचें, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ आप नहीं जाएं, उससे आप बचें। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आई फ्लू के बारे में, आँखों के रोग के बारे में मैंने दोस्तों आपको जो है बताया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।